भाई पूरी फौज आ रही है, पूरी फौज भाई देख रहे हो? ओह शिट शिट शिट। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू माइनक्राफ्ट वीडियो। गाइस, लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि हमने अपना एक लग्जरियस हाउस अपने वर्ल्ड में बिल्ड करा था और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बेहतरीन बन गया था अपना हाउस। तो यार, अब हमको एक काम करना है। मैंने सोचा है कि अपने जो अपना हमारा जो एक रूम है उसमें विलेजर्स को रखा जाए, जहाँ पे हम अपना ट्रेडर हॉल बिल्ड कर सकें। तो उसके लिए मेरे को विलेजर्स किसी दूसरे गाँव से अपने गाँव में, अपने उस कमरे में, रूम में लाना पड़ेगा, क्योंकि अपने तो यार गाँव में पता नहीं कैसे डिस्पॉन हो गए सारे विलेजर्स, तो उसका तो रीज़न मुझे नहीं पता। बट यार, दूसरे विलेज से विलेजर्स को लाना इतना ईजी नहीं है, तो उसके लिए मेरे को एक तो काफ़ी सारे जो क्या बोलते हैं यार, ट्रेन की पटरी को, हाँ वो बनाना पड़ेगा बेसिकली। थोड़ी बच्ची हो क्या? तो उसके लिए मेरे को काफ़ी सारा आयरन चाहिए होगा। बट यार यस, आयरन के लिए हमको जाना पड़ेगा माइनिंग के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम जाने वाले हैं माइनिंग के लिए। तो गाइस, इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि वो केव मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है भाई। लेट्स गो, चलते हैं उस केव में। और हाँ, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल पर अगर नहीं हो तो। लेट्स गो गाइस। ऑल राइट गाइस, तो हम आ चुके हैं गेम के अंदर और यहाँ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए एपिसोड में। तो भाई, लास्ट एपिसोड में हमने देख सकते हो ये वाला अपना हाउस बनाया था और ये भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा है। तो भाई चलते हैं माइनिंग के लिए। सबसे पहले मुझे उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि उस केव के अंदर हमको काफ़ी सारे मॉब्स मिलने वाले हैं। तो भाई, उनसे लड़ने के लिए कुछ सामान और कुछ माइनिंग के लिए हमको पिकेक्स वगैरह चाहिए होगी। तो जल्दी से प्रिपरेशन करते हैं और चलते हैं माइनिंग के लिए। लेट्स गो गाइस। सबसे पहले चलेंगे भाई अपने घर के अंदर और देखेंगे क्या क्या हमको सामान की वहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि यार अभी मेरे पास कोई आर्मर वगैरह भी नहीं है, तो हो सकता है कि लड़ाई के दौरान मैं मॉब से मर जाऊँ, मे बी पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे जो जो काम की चीज़ें हैं, जो जो काम की चीज़ें नहीं हैं, वो मैंने रख दी है इस सारी चेस्ट में। और बाकी हमको ये नहीं चाहिए, शवल नहीं चाहिए, पिकेक्स चाहिए होगी और एक्स का भी कोई काम नहीं है, तो हमको पिकेक्स और स्वॉर्ड लेके चलता हूँ मैं। बाकी तो चलते हैं गाइज, लेट्स गो। और केव तो आपने देखी रखी है, वो है हमारे गांव के पीछे की साइड। बाकी यार, मैंने देखा अपने पास थोड़ा सा फूड भी कमी है। वैसे तो अपने पास फार्म है, पर यार अभी मेरे को थोड़ा सा जल्दी है, तो हम यहाँ से लेंगे हेवेल। यस, हेवेल, तो इसको तोड़ेंगे और इसे बनाएंगे ब्रेड, फिर चलते हैं केव के अंदर। हेवेल से बनाएंगे वीट एंड वीट से बनाएंगे अपना ब्रेड। तो अभी काफ़ी सारा ब्रेड अपने पास हो चुका है, लेट्स गो, चलते हैं अब माइनिंग के लिए। गाइज, आ चुके हैं हम अपने उसी वाली केव के पास में। और भाई, मैं लास्ट टाइम जब यहाँ था तो यहाँ पे क्रीपर फटा था, तो उसी का ये निशान है। बाकी तो अब यहाँ पे देखो भाई, ये देखो ये जो केव है ना भाई, सबसे ज़्यादा डेंजरस मेरे को लगी है। और लेट्स गो, ये हम आ गए। तो भाई, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आया था आयरन वगैरह लेने के लिए, तभी के ये लाइट्स मतलब टॉर्च यहाँ पे लगी हुई हैं। तो चलते हैं भाई, अब हमको इसमें डीप में जाना पड़ेगा, ऊपर ऊपर से कुछ भी नहीं होने वाला। अरे भाई क्रीपर, सबसे पहले यहाँ से भागो। फट गया भाई भाई इसमें कोई भरोसा नहीं है। सबसे पहले तो एक टॉर्च लो अपने हाथ में, चलते हैं, लेट्स गो। तो अब मैं जाने वाला हूँ इधर की साइड से, यहाँ पे जाएंगे और मैं जाने वाला हूँ इसमें काफ़ी ज़्यादा डीप के अंदर, क्योंकि डीप में जाने से फ़ायदा क्या होगा, हमको काफ़ी सारे ओर्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि यार सिर्फ आयरन से ही मेरे को मतलब नहीं है, हो सकता है हमको यहाँ पे डायमंड भी मिल जाए। और जो जो चीज़ें मिलेंगी यार, मैं सब लूँगा, कोई भी चीज़ मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं। अब देखो, यहाँ पे मेरे को एक केव टाइप बनानी पड़ेगी, क्योंकि यार मेरे को जाना है उधर की साइड में। तो मैं करता हूँ, यहाँ से इस पहाड़ को काट के जाऊँगा, एक छोटी सी गुफा बना दूँगा यहाँ से, ताकि अब आराम से बाद में भी यहाँ पे आ जा सकें। तो लेट्स गो, यहाँ पे बनाते हैं एक छोटी सी गुफा। और भाई, आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, कितने सारे मॉब्स ऑलरेडी आ चुके हैं। ये देखो मेरी हेल्थ देख रहे हो? तो भाई, इन केव्स की यही तो दिक्कत है, मतलब ये कितनी ज़्यादा बड़ी हैं और इसमें नीचे भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा मॉब्स मिलने वाले हैं। भाई, दो मॉब्स ने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्थ घटा दी है, नीचे जाके पता नहीं किस किस से मुकाबला होगा। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली हमको अपना पहला ओर यहाँ पे मिल चुका है, जो कि है लैपिस लजूली। तो भाई, इसको लेंगे यहाँ पे और इसका भी काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है एन्चांटमेंट के लिए। और यहाँ पे ऊपर भी है भाई काफ़ी, एक सेकेंड, नीचे देख रहे हो भाई? ओके, तो भाई यहाँ पे जो जो चीज़ मिलेगी मैं सब कुछ यहाँ पे ले जाने वाला हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला तुम्हारा भाई आज यहाँ से। लेट्स गो। फाइनली गाइज, अपना पहला आयरन का ओर भी यहाँ पे मिल चुका है और इसको तोड़ेंगे भाई। ये रहे आयरन ही आयरन भाई, इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी देख रहे हो मैं एक पिकेक्स लेकर आया था अपनी आयरन की, और अभी तो मैंने कुछ शुरुआत भी नहीं करी है। उसकी जो हेल्थ है हमारी पिकेक्स की, वो आधी से काफ़ी कम हो चुकी है।
तो भाई वो भी टूटेगी, तो हमको मेरे ख्याल से मेरे को वापस जाना पड़ेगा एक और पिकैक्स बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखो कितना सारा आयरन है भाई, आयरन की खदान मेरे को यहाँ पे मिल चुकी है आई थिंक। मज़ा आ गया भाई, एक सेकेंड सारा आयरन यहाँ से लेंगे फिर चलते हैं। ठीक है भाई, तो फाइनली मैंने यहाँ पे जितना आयरन हो सकता था सारा के सारा मैंने यहाँ से ले लिया है। अब मेरे को जाना है नीचे, तो देखो कुछ इस तरीके का है रास्ता। तो भाई हम जाएंगे यहाँ से सीधा नीचे, लेकिन उससे पहले मेरी पिकैक्स की जो HP है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, तो मैं जाता हूँ जल्दी से एक और पिकैक्स बना के लेके आता हूँ, वरना तो यार कम पड़ जाएगी फिर मेरे को वापस से आना पड़ेगा इतनी ऊपर। तो नीचे आने से पहले ही है मतलब पिकैक्स एक्स्ट्रा रहेगी तो सही रहेगा। लेट्स गो, जल्दी से बना कर लाता हूँ एक और पिकैक्स में। चलते हैं अपने स्मेल्टिंग एरिया की तरफ को, जहाँ पे हमने ऊपर छत पे बना रखा है अपना स्मेल्टिंग एरिया। ये देखो भाई, तो यहाँ पे किसी भी दो में मैं यहाँ पे हल्का हल्का कोल डाल देता हूँ, थोड़ा इसमें डाल देंगे और थोड़ा इसमें डाल देंगे, बाकी अब डालेंगे इसमें आयरन के और थोड़े से आयरन के इसमें डाल देता हूँ और थोड़े से इसमें, ताकि हमारा काम थोड़ा सा जल्दी हो जाए। लेट्स गो। फाइनली गाइस इतने इनगेट तो यहाँ पे हो चुके हैं कि हमारी एक पिकैक्स बन जाए, बाकी ये यहाँ पे स्मेल्ट होते रहेंगे, इनको यहाँ पे बाद में आके मैं ले लूँगा। फाइनली चलते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे सो जाते हैं क्योंकि यार रात हो चुकी है, वरना तो मॉब्स बहुत ज़्यादा परेशान कर देंगे बाहर की तरफ। तो यहाँ पे सो जाते हैं, उठते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। ये हो गई भाई सुबह जल्दी से, और यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल हमारे पास पड़ा हुआ है, मेरे पास यस लकड़ी तो है, और यस यहाँ पे भाई स्टिक्स भी बनी जाएंगी, तो यहाँ पे लगाएंगे दो स्टिक्स, इस तरीके से हमारी बन जाएगी एक पिकैक्स। और मैं सोच रहा हूँ यार यहाँ पे दो ही बना लेता तो सही रहता। फाइनली गाइस तुम्हारे भाई ने यहाँ पे बना लिए दो पिकैक्स, अब यहाँ पे देख रहे हो नीचे पिकैक्स ही पिकैक्स नज़र आ रही हैं भाई, इनकी तो ज़रूरत पड़ने वाली ही है क्योंकि हम यार माइनिंग के लिए जा रहे हैं, तो ये तो चाहिए ही चाहिए। बाकी चलते हैं भाई वापस से अपनी केव के अंदर। तो गाइस आ चुके हैं अपनी केव के अंदर हम वापस से, और सबसे पहले तो यार यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे यार टॉर्च लो अपने लेफ्ट हैंड में, ये लिए हमने टॉर्च। लेट्स गो गाइस, करते हैं काम शुरू वापस से माइनिंग का। और यहाँ पे मैंने जो बनाई थी यहाँ पे ये केव, ये अब काम आएगी बार बार आने जाने के लिए। अब यहाँ पे हम कूदेंगे सीधा ही पानी के अंदर, और लेट्स गो, हियर वी गो। और भाई यहाँ पे आयरन पड़ा हुआ था जो मैंने ऊपर से थोड़ा था ना, वो बिखर गया था आई थिंक यहाँ पे थोड़ा बहुत, तो उसको भी ले लेते हैं वापस। और भाई चलते हैं और डीप के अंदर, और भाई मेरे को यहाँ पे आइस दिख रही हैं, देखो उधर की साइड हैं स्पाइडर्स। बाकी तो यार देखते हैं, अभी हमको काफ़ी सारे मॉब्स रास्ते में मिलने वाले हैं, तो यार उनसे भी मेरा सामना होगा। और देखो भाई, और मेरे को यहाँ से भी लैपिस लजूली दिख रही है, देख रहे हो ना उधर की साइड ब्लू, वही है लैपिस लजूली। बट अभी मेरा जो मेन एम है वो है भाई यहाँ पे आयरन लेना, क्योंकि अभी तो हम एक जस्ट शुरुआती दौर पर हैं, तो यहाँ पे आयरन ही काफ़ी रहेगा, बाकी डायमंड मिल जाए तो और अच्छी बात है भाई। हियर वी गो गाइस, यहाँ पे हम आ चुके हैं वापस, और ये लावा थोड़ा बहुत बुझा दिया मैंने। बाकी यार यहाँ पे देखो आयरन, ये देखो भाई ये रहा और आयरन, इसको भी लेते हैं। आयरन की यार हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि यस यू नो, क्योंकि जब हम रेल ट्रैक जब बिछाएंगे तो भाई उसमें आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और बाकी के मैं आर्मर भी बना लूँगा आयरन का, वो भी सेफ रहेगा। और ये है यहाँ पे कॉपर, बाकी कॉपर से तो अभी मेरे को कुछ खास काम नहीं है, तो कॉपर को हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। बाकी ओके भाई गोल्ड, भाई यहाँ पे हमको गोल्ड भी मिल चुका है, तो गोल्ड भी ले लेते हैं भाई, यहाँ पे काफ़ी सारा गोल्ड है एक्चुअली में, ये देखो। लेट्स गो, सारा गोल्ड निकालते हैं यहाँ से भाई, जितने भी और हो सकते हैं वो सब लेंगे। ओके इधर तो अब रास्ता बंद है, बट यहाँ पे लैपिस लजूली भी है, तो इसको भी ले लेते हैं। ऑल राइट गाइज, तो चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, जो कि आई थिंक मेरे को जाना पड़ेगा अब इधर की साइड में। और भाई इधर से देखो, ओके ओ यहाँ पे, ओए भाई वहाँ पे एंडरमैन, उससे पंगे नहीं लेने, अदरवाइज वो मेरे को यहाँ पे मार के ही छोड़ेगा भाई। देखो ये रहा और आयरन, लेट्स गो। ओए एक सेकंड भाई, मार दिया भाई, ये अचानक से पीछे आ जाते हैं ना, एक तो इनका पता नहीं चलता, ये मार के छोड़ेंगे मेरे को। ऑल राइट गाइस, यहाँ से काफ़ी सारा आयरन हमको मिल चुका है, और मैं देखूँ एक बार तो 15 और आयरन के हो चुके हैं, 8 और यहाँ पे गोल्ड के हो चुके हैं, और लैपिस लजूली यहाँ पे है 38। वेरी नाइस भाई, प्रोग्रेस हो रही है तुम्हारे भाई की। बाकी तो देखो इधर गोल्ड है, और मैं इसको नहीं तोड़ूंगा क्योंकि ये सीधा लावा में जाएगा, और लावा में गिर के ये टूट जाएगा। तो हम चलते, ओए रेड स्टोन भाई, इधर है रेड स्टोन। बस यहाँ तक जाने के लिए मेरे को एक छोटा सा रास्ता बनाना ही पड़ेगा, तो चलो बिल्ड करते हैं।
फाइनली भाई आ चुके हैं रेडस्टोन के पास में, और इसका भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। अपने मैकेनिज्म को चलाने के लिए हम रेडस्टोन का यूज़ करेंगे। रेडस्टोन तो भाई यहाँ पे वायर का काम करती है, और यहाँ पे मेरी एक पिकैक्स टूट भी चुकी है भाई, वेरी नाइस। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अटक गया है, इसको तोड़ो भाई, ये लेंगे। और ये गया नीचे, तो हमको भी नीचे ही जाना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी इधर से नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा थोड़ा सा घूम कर। चलते हैं भाई जल्दी से, हियर वी गो। और यहाँ पे है थोड़ा और आयरन भाई, आयरन तो लो, सबसे ज़्यादा मैं आयरन लेने वाला हूँ यहाँ पे। ओके गाइस, तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और ये रही एक स्पाइडर भाई, भाई सॉरी भाई, एक सेकेंड, हाँ मर गया भाई। यहाँ पे कितने सारे मॉब्स हैं, लेकिन साथ ही साथ ओर्स भी मेरे को यहाँ पे खूब सारे मिल रहे हैं, गोल्ड और आयरन तो खासकर। ठीक है, तो ये देखो भाई कितना सारा लावा नीचे गिर रहा है, और मेरा रेडस्टोन भाई पड़ा हुआ है अभी तक। जल्दी से उठाओ इससे पहले कि डिस्पॉन हो जाए। और भाई गोल्ड तो यार छोड़ूंगा नहीं, खेल लो। ये आ चुका है गोल्ड, बाकी ये रहा अपना रेडस्टोन। और भाई ये और भी डीप में जा रही है, हालांकि यार फिर से आ गया। तू आ पहले, नहीं तू आ भाई, मेरी हेल्थ खा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा। ओ एक सेकंड भाई, मरना नहीं है, खाना खाओ भाई। मेरी एचपी बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है, मेरे को यार आर्मर बना के ही यहाँ पे आना चाहिए एक्चुअली में। आर्मर से थोड़ा सा सेफ हो जाऊँगा मैं, अदरवाइज़ तो ये मेरे को छोड़ेंगे नहीं। देखो आवाज़ आ रही है ना, ऐसी में भाई ऐसी एचपी हो आपकी और मॉब चारों ओर से आ जाएँ, तो बस आपका बचना नामुमकिन है, वो भी विदाउट आर्मर। तो चलते हैं भाई इसके और अंदर, और देखते हैं और क्या क्या हमको यहाँ पे मिल सकता है। बाकी तो यार चलते हैं, लेट्स गो। ओके गाइस, तो यहाँ पे मिल चुका है थोड़ा और रेडस्टोन, इसको भी लेते हैं। अबे नीचे गिर गया, सॉरी भाई, कौन मार रहा है भाई? ये यार स्केलेटन मेरे को छोड़ेगा नहीं, अब इसको मारना ही पड़ेगा जाके, देख रहे हो भाई? यार थोड़ा सा छोड़ दे, रहम कर, थोड़ा सा रहम कर भाई, बच गया। खाना खाओ सबसे पहले, लैपिस लजूली सब कुछ लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से भाई, यहाँ पे थोड़ी सी हेल्थ बढ़ने देते हैं, अदरवाइज यहाँ पे मॉब्स कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं। एक तो यार टॉर्च मेरे को और लानी चाहिए थी एक्चुअली में, तो यहाँ पे टॉर्च लगा देता हूँ मैं। हियर वी गो, लेट्स गो। चलो भाई तोड़ते हैं यहाँ पे लैपिस लजूली को। भाई यहाँ पे मेरे को और भी ज़्यादा ओर्स दिखे हैं, बट ये ज़ोंबीज, ये चैन लेने तब ना भाई यार। एक तो ये पॉकेट एडिशन में खेलना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, मतलब यार इसमें थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल पड़ जाता है इन सभी के सामने। बाकी तो ये देखो हमको मिल चुका है और भी यहाँ पे आयरन। भाई तू आ सबसे पहले, नहीं तेरी तो कमी है, आ जा। ये रहा भाई यहाँ पे गोल्ड लेते हैं, और आई होप कि अब कोई मॉब ना आए भाई, प्लीज़ यार, बहुत ज़्यादा मेरी एचपी खा गए हो तुम लोग, थोड़ा तो रहम करो यार। ओए डायमंड भाई, फाइनली हमको एक डायमंड दिख चुका है, तो मैं चलता हूँ यार नीचे, लेट्स गो। ये रहा भाई अपना फर्स्ट डायमंड, वेरी नाइस। ओके तो भाई पहला अपना डायमंड इस सीरीज का आ चुका है सामने की तरफ हमारे पास, और नीचे में हमको थोड़ा सा रेडस्टोन भी दिख रहा है। यहाँ पे रेडस्टोन काफ़ी सारा है, देखो। ओए मॉब आ गया फिर से भाई, इसकी तो ऐसी की तैसी भाई, कहाँ कहाँ से निकल के आ रहे हैं ये। ये रहे भाई और ज़्यादा रेडस्टोन, तोड़ो भाई इसको। और यहाँ पे भाई कितनी अंतर, तो ओए क्रीपर भाई, ये सबसे खतरनाक है भाई, इससे बच के भागो, मेरे को इससे पंगे नहीं लेने। नहीं मैं जा रहा हूँ भाई, सॉरी यहाँ से भाई, इससे पंगे ही नहीं लेने। और वहाँ पे यहाँ गोल्ड है, बाकी मैं चाहता हूँ जाना, लेकिन यार अभी मेरे पास आर्मर नहीं है ना, थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा बहुत डर लगता है भाई। तू नीचे ही फट जा प्लीज, मेरे पास मत आ प्लीज यार, मेरे पास क्यों आ रहा है साले भाई, फट गया। लेकिन शुक्र है हमको कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हो। खाना खाते हैं भाई, खाना खाते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारी एचपी साथ के साथ बढ़ती रहे। और यहाँ पे यार मेरे पास ये कुछ ओर्स इकट्ठा हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो भाई यहाँ पे मेरे को काफ़ी आवाज़ आ रही है मॉब्स की, और ये आ गई स्पाइडर, और तू भी आ जा। नहीं आ जाओ, दावत चल रही है भाई इनकी, तो यहाँ पे मेरे लिए
ये गए दोनों। ओके वेरी नाइस। तो यहाँ पे रास्ता आया तो बंद है यार, इधर से कोई रास्ता नहीं है, चलते हैं किसी और रास्ते की तरफ। भाई एक और ज़ॉम्बी, लेट्स गो। अरे भाई मैं किस एरिया में आ गया भाई, सॉरी भाई, मैं जाना तो चाहता हूँ ऊपर, लेकिन ऊपर इतने सारे मॉब्स हैं ना कि वो सारे मिलकर ना मेरी बैंड बजा देंगे। अभी तो यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा, देखो तो क्रीपर देखो सामने दिख रहा है, ये देखो भाई कितने क्रीपर। भाई मैं जा रहा हूँ, सॉरी यहाँ से मेरे को रुकना ही नहीं है इधर। बस हवा निकल गई। भाई पूरी फौज आ रही है इधर, निकलो यहाँ से भाई निकलो यार, यहाँ पे बिना आर्मर के आना बेवकूफ़ी है। अब भाई मेरे को बाहर जाना है, मेरे को जाना है भाई यहाँ से, कोई तो निकालो भाई। ओ भाई निकल यहाँ से भाई, प्लीज़ यहाँ मत फटियो। फट गया भाई, पूरी फौज आ रही है, पूरी फौज भाई देख रहे हो। ओ शिट शिट शिट, भाई यहाँ पे तो पूरा ज़ोंबी एकोपलिप्स हो रहा है। भाई यहाँ से निकलो, अगली बार जब यहाँ पे आऊँगा भाई पूरा आर्मर पहन के आऊँगा। भाई अभी तो निकलो आर्मर लायक, मेरे पास और तो हो चुके, खाना खाओ सबसे पहले। तो निकलो भाई यहाँ से, वापस से माइनिंग के लिए आएंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम पूरी प्रिपरेशन करके आएंगे। भाई निकलो यहाँ से, इन्होंने तो मेरी यार बैंड ही बजा दी बहुत ज़्यादा ही। और यार मैं रास्ता ही भूल चुका हूँ एक तो, कि मैं आया कहाँ से था। तो अब मेरे पास एक ही रास्ता है ऊपर जाने का, कि सीधा सीधा खोदो भाई नीचे यहाँ पे, इस तरीके से लगाते जाओ और ऊपर से खोदते जाओ। लेट्स गो गाइस। ऑल राइट गाइस, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ और मेरे को रास्ते में ही यहाँ पे ऊपर जाते जाते रेड स्टोन मिल चुका है। तो भाई जो मिले ले लो, ये रहा काफ़ी सारा रेड स्टोन। भाई रेड स्टोन तो इतना सारा मिल जाता है ना कि बस पूछो मत गाइस। तो हम कहीं पर तो ऊपर आ चुके हैं और मैं निकला हूँ उस केव के अंदर ही। भाई ये केव कितनी बड़ी है यार। तो यहाँ पे कोल भी है कुछ, तो यार कोल भी ले लेते हैं, कोल का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। और इधर आयरन है भाई, काफ़ी सारा आयरन है भाई, ये तो मेरे को चाहिए। तो यहाँ पे बनाते हैं एक रास्ता, ये बन गया। और ये सारा आयरन यहाँ से तोड़ते हैं जल्दी से, उखाड़ो भाई सारा आयरन यहाँ से। भाई ऊपर से एक तो ये लावा की आवाज़ आ रही है, मेरे को डर लग रहा है कि कहीं, देखो भाई देखो पानी कहाँ से आ गया अब यहाँ पे। तो भाई यहाँ से निकलने का ये तरीका हो सकता है ना, मैं पागल हूँ क्या यार, पानी से तो बाहर निकल ही सकता हूँ मैं। और ये मैं कहाँ पे आ गया भाई, भाई पानी से जल्दी बाहर निकल, अदरवाइज़ मैं तो मर जाऊँगा, क्योंकि मेरी जो ब्रेथ है वो यहाँ पे कम होती जा रही है। और यहाँ पे भाई जल्दी ऊपर, भाई ऊपर जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यस भाई तीन, ओ ओके। तो भाई हम कहीं पर तो ऊपर आ गए हैं, ऊपर तो आ गए भाई, लेकिन कहाँ से आए ये तो मेरे को, अच्छा हमारा घर तो उधर की तरफ है ना। भाई देखो कहाँ से घुसे और कहाँ पे निकले हैं हम, लेकिन फाइनली ऊपर निकल चुके हैं। और राइट भाई, एक तो यहाँ पे पूरे में ओशियन ही था, मतलब मैं कहीं पे भी खोदता ना पानी तो निकलना ही था उधर की साइड। तो चलते हैं भाई सीधा हमारा घर इधर की तरफ को है, लेट्स गो गाइस। आपसे मिलते हैं हम घर पे, पहले तो घर में जाते हैं भाई, घर पे आकर अलग ही सुकून मिलता है अपने घर पे आकर। तो भाई ये रखो सामान। अब देखो भाई ये मैं चेस्ट, दूसरी वाली चेस्ट को ओपन करता हूँ, इस वाली को, लेट्स गो इसमें रखते हैं अपना ओर। तो भाई हमको मिले हैं 28 ओर ऑफ आयरन, 15 ओर्स ऑफ गोल्ड, 64 हमको मिला है लैपिस लजूली, बल्कि उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा। और यहाँ पे रेड स्टोन मिल चुका है पूरा एक स्टैक और 21 एक्स्ट्रा, और एक डायमंड भी हमको मिल चुका है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यार यहाँ पर हमको आलू भी मिल चुका है एक, जो कि आई थिंक एक ज़ोंबी ने डाला था, यस। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद जरूर आई होगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना भाई, उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मेरे को। तो आपसे मिलते हैं अब किसी नए गेम प्ले के साथ में, एक नई वीडियो में। तो तब तक के लिए गाइस बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।